दोस्तों टेक्निकल प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज़। तो पहले खबर की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पे सैमसंग से कि दोस्तों जो सैमसंग का अपकमिंग गैलेक्सी S21 प्लस वाला स्मार्टफोन है ये दोस्तों फाइनली आज IMDS सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों हमें बहुत ही जल्दी सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी S21 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन के साथ साथ जो सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस वाला स्मार्टफोन है ये भी देखने को मिलने वाली है। तो देखते हैं सैमसंग के अपकमिंग गैलेक्सी S21 प्लस वाले स्मार्टफोन के बारे में और क्या खास डिटेल्स निकल के आती है, मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी टेक्निक्स की ओर जो निकल के आ रही है Xiaomi की तरफ से। दोस्तों Xiaomi शायद बहुत ही जल्दी अपने बहुत सारे नए लैपटॉप को लॉन्च करने वाला है। जी हाँ दोस्तों Xiaomi की तरफ से आज Mi की बहुत सारी लैपटॉप आज फाइनली ब्लूटूथ SHG सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों हमें Xiaomi की तरफ से बहुत सारे लैपटॉप बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाली है। तो देखते हैं Xiaomi की तरफ से आने वाले लैपटॉप के बारे में और क्या खास डिटेल्स निकल के आती है, मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों क्या आपने कभी Xiaomi का लैपटॉप यूज़ किया है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों यहाँ पे IQ की तरफ से एक खबर आ रही है कि दोस्तों IQ का अपकमिंग 7 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन है ये तो शायद बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको एक 120 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी जो कि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर की सबसे फास्ट चार्जिंग स्मार्टफोन कहलाने वाली है। तो देखते हैं इस IQ के अपकमिंग 7 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन के बारे में और क्या खास डिटेल्स निकल के आती है, मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे रियलमी की तरफ से एक खबर आ रही है कि दोस्तों रियलमी का एक नया स्मार्टफोन रियलमी RMX 3171 फाइनली दोस्तों आज TKTN सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हो चुका है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है ये शायद रियलमी की तरफ से जो अपकमिंग 8 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन है वो शायद हो सकता है। तो देखते हैं इस रियलमी के अपकमिंग RMX 3171 वाले स्मार्टफोन के बारे में और क्या खास डिटेल्स निकल के आती है, मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों लगे हाथ ओप्पो की तरफ से एक खबर आ रही है कि दोस्तों जो ओप्पो का अपकमिंग Reno5 ग्लोबल वेरियंट स्मार्टफोन है इसकी दोस्तों फाइनली आज लाइव इवेंट वगैरह लीक होकर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि दोस्तों जो ओप्पो का अपकमिंग Reno5 ग्लोबल वेरिएंट वाला स्मार्टफोन है ये कुछ इस तरीके से देखने में होने वाला है। तो दोस्तों आप मुझे आज कमेंट में ये जरूर बताना आपको ये ओप्पो का Reno5 वाला स्मार्टफोन कैसा लगा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज की आखिरी टेक्निक्स की ओर जो कि निकल के आ रही है वीवो की तरफ से कि दोस्तों जो वीवो का अपकमिंग X60 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन है ये तो बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलने वाली है ग्लोबल मार्केट में, साथ ही दोस्तों इंडिया में भी ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाली है। और जो वीवो का X60 प्रो वाला स्मार्टफोन है इसके दोस्तों फाइनली आज जो रेंडर्स वगैरह है ये JD.com द्वारा निकल के आ चुके हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों ये जो इमेजेस वगैरह है ये ऑफिशियल इमेजेस वगैरह है। और दोस्तों आप मुझे आज कमेंट में ये जरूर बताना आपको ये वीवो का X60 प्रो वाला स्मार्टफोन कैसा लगा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको आज का टेक न्यूज़ पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।